Hello and welcome everyone to our channel Z2i Tutorials. First of all, for those who are new to our channel, I am Salman Ahmed and I did my M.Tech from IIT Dhanbad and I have more than 6 years of experience. So, अच्छा है मेरे experience को जितना use करोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा है, ठीक है? So and I will teach you mathematics and Amit sir will teach you science. चलते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. फॉर क्लास 10th द फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर्स. आज हम लोग सिर्फ थोड़ा बेसिक के बारे में बात करेंगे बस. सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज रियल नंबर. इसको हम समझ सकते हैं ऐसे कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी नंबर्स, वो सारे नंबर्स रियल नंबर में आएंगे. यू कैन से ऑल नंबर्स exist in the universe are real numbers. जितने भी numbers exist करते हैं पूरे universe में, वो तुम्हारे real numbers होते हैं. कोई भी numbers तुम्हारे दिमाग में जो भी number आता है वो सारे क्या होंगे? real numbers. okay? now so इसके आगे हम लोग कैसे पढ़ें? तो रियल नंबर को कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में. द फर्स्ट पार्ट इज इरेशनल नंबर्स. हम लोग वन बाय वन दोनों को समझेंगे. बेसिक है, आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो, ठीक है? पहले हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है? सो व्हाट इज इरेशनल नंबर? कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर द p एंड q आर इंटीजर्स एंड द डिनोमिनेटर दैट इज q विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. वी कैन राइट एज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डिनोमिनेटर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. आप सबको पता है कि किसी भी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है? कोई भी नंबर का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, ठीक है? So, क्या कहा हमने कि p बाई क्यू दैट मीन इन फ्रैक्शन फॉर्म जो न्यूमरेटर होगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो दोनों क्या होंगे? वो दोनों इंटीजर्स होंगे. अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स सारे नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इंक्लूडिंग जीरो, वो सारे हमारे इंटीजर होते हैं, ठीक है? तो ऊपर में तो कोई भी इंटीजर आ सकता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो. बट जो डिनोमिनेटर हमारा है, जो भी इसमें नंबर रहेगा वो नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता है. क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाई जीरो. किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो वो अनडिफाइन होता है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं, कभी भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? नाउ लेट्स मूव फर्दर. तो p बाई क्यू फॉर्म में होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 बाई टू, करेक्ट है? 1 दैट इज इंटीजर, 2 ऑल्सो एन इंटीजर एंड द डिनोमिनेटर 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो 1 बाई टू इज अ रेशनल नंबर. माइनस 3 बाई फाइव, ट्रू. 0, ट्रू, बिकॉज 0 बाई एनी थिंग इज 0. तो ये तो 0 हमारा न्यूमिनेटर है ना, तो वो तो चलेगा, बट जो डिनोमिनेटर हमारा है वो कुछ भी ले लो वो रेशनल नंबर कहलाएगा. कुछ भी मतलब कि 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में. अच्छा 2 बाई जीरो क्या ये होगा? नो, 2 बाई जीरो रेशनल नंबर नहीं है, बिकॉज किसी भी नंबर को हम जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर डिफाइन नहीं होता है. इसको हम क्या बोलेंगे? अनडिफाइन, या कह सकते हो इन्फिनिटी, ठीक है? ओके अब हम लोग क्या किया हम लोगों ने कि रेशनल नंबर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया. कितने पार्ट में? दो पार्ट में. अच्छा, जिसको भी नोट करना होगा वो वीडियो पॉज करके वो नोट कर सकता है, ठीक है? ओके तो
मैंने क्या बोला कि रेशनल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये सभी को पता होगा ना कि दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं, अगर कोई नंबर लिखते हैं हम लोग, तो उसे हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लिखा हुआ है लेट्स से 5, तो वी कैन राइट एज 5.0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी भी नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग इसको देखेंगे इसी तरीके से। कैसे, देखो, रेशनल नंबर में तुम्हारा आएगा दो टाइप का। पहला आता है जिसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये सभी लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्या होता है ये? देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट का मतलब स्टॉप कर जाना, उसके आगे वो चीज़ नहीं बढ़ेगी। ठीक है, डेसिमल नंबर जिसके डेसिमल के बाद जो हमारा डेसिमल पार्ट होता है उसमें जो डिजिट्स हैं वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएंगे। ठीक है, ए डेसिमल नंबर इन विच द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल विल स्टॉप, कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4.56, यहाँ पर क्या हुआ, 4 पॉइंट जो डेसिमल पार्ट था उसमें 6 पे आकर रुक गया, इसके आगे ये नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो 4.56 क्या हो गया, वो हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 0.23498 क्या हो गया, 8 तक आके रुक गया, इसके आगे नहीं बढ़ रहा, मतलब कि 8 पर आकर ये टर्मिनेट कर गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो कि रेशनल नंबर होता है। द सेकेंड पार्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे दो तरह के, एक तुम्हारा आता है रेशनल नंबर में और एक आता है इरेशनल नंबर में। तो यहां वाला क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो कि रिपीटिंग भी हो साथ में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, नाम काफी लेंथी है इसलिए इसको एक शॉर्ट नाम दिया गया है जिसे हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब ये होता क्या है, मैंने टर्मिनेटिंग में क्या बोला था कि डेसिमल वाला पार्ट जो है कहीं ना कहीं जाकर स्टॉप कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो स्टॉप नहीं करते हैं, वो बढ़ते आते हैं कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। बट उसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि वो इन्फाइनाइट तक जाएगा तो, लेकिन डेसिमल के बाद कोई ना कोई डिजिट या डिजिट्स वो रिपीट करता हुआ आगे बढ़ेगा, तो उसे वो कहते हैं हम रिकरिंग डेसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1.33333 क्या शो कर रहा है, 1.3333 ये जाएगा इनफाइनाइट तक, बट द डिजिट 3 इज रिपीटिंग। तो डिजिट 3 क्या कर रहा है, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है डिजिट्स, लेकिन 3 रिपीट करता हुआ जा रहा है, इसके बीच में और भी कोई भी डिजिट्स नहीं आ सकता है। ठीक है, और ये बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लाइक 2.46 46 46 एंड सो ऑन। तो 4, 6 दो डिजिट है वो रिपीट करता हुआ जा रहा है। अच्छा, तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जो डिजिट रिपीट करता है उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, बार का साइन, ये क्या बन जाएगा 1.3 bar, एंड दिस वन 2.46 bar, ये सबको पता है। ठीक है, आज फर्स्ट लेक्चर हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं क्या क्या होता है बेसिक चीज़। ठीक है, तो ये दोनों हमारा लाई करता है रेशनल नंबर में। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द इरेशनल नंबर पार्ट। ओके, द सेकंड नंबर इज इरेशनल नंबर। देखो, रेशनल नंबर क्या था, जिस नंबर को हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर होता है। द कंडीशन इज p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है कि वो नंबर, अगर किसी नंबर को p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं हम लोग, तो वो नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। दैट मीन्स ए नंबर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q
are integers and q not equal to zero. मतलब कंडीशन वही है कि p by q फॉर्म में होगा, p और q क्या होगा, इंटीजर्स होगा और q not equal to zero होगा. बट उस इस फॉर्म में हम जिस नंबर को नहीं लिख सकते हैं वो नंबर क्या होगा, वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर होगा. तो कौन से नंबर, उसके लिए हम चेक करेंगे. उसके लिए आता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि हमने किस कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था रेशनल नंबर में कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट वहां पर रिपीट करता है, यहां पर रिपीट नहीं करेगा. सो नॉन टर्मिनेटिंग वी कैन राइट एज नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सेम केस है कि डेसिमल के बाद जो डेसिमल वाला पार्ट होता है उसके जो डिजिट्स होते हैं डेसिमल पार्ट के, वो जाएंगे इनफिनाइट तक, टर्मिनेट नहीं करेगा, वो बढ़ता जाएगा इनफिनाइट तक. बट जो डिजिट्स होंगे वो रिपीट नहीं करेंगे, वो रैंडमली अपना डिजिट को चेंज करते हुए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल 4.653295... ये क्या शो कर रहा है, डेसिमल के बाद हमारा जो डिजिट्स है वो क्या रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, बट रैंडमली वो चेंज करता हुआ इन्फिनेट तक बढ़ रहा है. वी कैन राइट एज रूट टू, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.1442... तो रूट टू भी हमारा क्या है, रूट टू भी हमारा इरेशनल नंबर है. क्यों, जब तुम रूट टू की वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1.4142 एंड .. वो आगे जाएगा. ठीक है, सेम तरीके से रूट थ्री, क्यों, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.732... और ये इनफाइनाइट तक हमारा नंबर ये जाएगा. ठीक है, अच्छा और क्या ले सकते हैं हम लोग, पाई. बहुत लोग ये कहेंगे कि सर पाई तो हम लिख सकते हैं 22/7 के फॉर्म में, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है कि पाई तुम 22/7 ये तुम्हें शो कर रहा है कि रेशनल नंबर है, बिकॉज द न्यूमिनेटर इज इंटीजर, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो इंटीजर एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो कंडीशन तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है रेशनल नंबर का, लेकिन ये रेशनल नंबर होता नहीं है, बिकॉज जब तुम इसे डिवाइड करोगे तब तुम्हारा जो डेसिमल नंबर आता है वो क्या आता है 3.14285 एंड सो ऑन. ये भी नंबर जो है इनफिनाइट तक जाएगा, क्या रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, वो रैंडमली चेंज करता हुआ जा रहा है. इसलिए पाई भी जो होता है ना वो भी तुम्हारा क्या होता है, वो भी तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, दैट इज कॉल्ड वो इरेशनल नंबर होगा. ठीक है, इसमें तुम्हें आगे टॉपिक्स में पढ़ना होता है कि रूट टू रूट थ्री को प्रूफ करो कि इरेशनल नंबर क्यों है. ठीक है, तो जिसे भी नोट करना है वो नोट कर सकता है. लेट्स प्रोसीड, ये हमारा बेसिक हो गया रियल नंबर का और उसके पार्ट्स का. इसमें और भी फर्दर कैटेगराइज होते हैं, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब उस फर्दर कैटेगराइज होते हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने जो हमारा मेन टॉपिक है रियल नंबर का उसे. सबसे पहला चीज़ इसमें देखेंगे हम कि अच्छा आप सभी जानते होंगे कि किसी भी एक स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. मतलब जो स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव्ड है उस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए. ठीक है, तो जिस स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है उसे हम कहते हैं लेमा. क्या कहते हैं, लेमा. लेमा क्या होता है, इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है. इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट. ठीक है, वो स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है जिसको यूज करके हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, लेमा कहलाएगा. ठीक है, चलो इसके बाद हमारा जो टॉपिक आने वाला है उस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक हम जो प्रूव्ड स्टेटमेंट है उसको हम देखेंगे जिसे हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम. डिवीजन एल्गोरिथम सभी लोग जानते हैं क्या होता है.
एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम मतलब होता है किसी भी सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है ये बताओ, किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते उसे क्या क्या आता है? एक तो होता है जिसको डिवाइड करते वो क्या होता है, डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 25 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो ये क्या कहलाएगा, जिसको डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर, जो हमारा आंसर आता है वो होता है क्वोशेंट, और जो एक्स्ट्रा बचता है वो होता है हमारा रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल 24 1, इसमें 4 क्या है, 4 है डिवाइजर, 25 इज डिविडेंड, 6 इज क्वोशेंट एंड 1 इज रिमाइंडर, 1 हमारा रिमाइंडर बच गया है। ठीक है, अच्छा तो यहां पर डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इस चारों चीज को हम एक एल्गो के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, वो होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट, ये ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि डिविडेंड की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगी। ठीक है, अगर तुम्हें प्रूफ करना हो तुम प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन में, अगर आरएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस में देखो क्या है इस क्वेश्चन के हिसाब से, व्हाट इज डिवाइजर 4, व्हाट इज क्वोशेंट 6 एंड व्हाट इज रिमाइंडर 1, कितना आएगा 24 प्लस 1 25 एंड इट इज इक्वल टू डिविडेंड। सो हमारे प्रूफ हो गया कि जो हम ये एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं ये, तो ये हमारा सही है, सही काम कर रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी सब जानते हैं, इसी एल्गोरिथम को हम यूज करेंगे अपने अगले टॉपिक में। ठीक है, ओके, सो ओके, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मेन टॉपिक, उसे हम कहेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या कहेंगे हम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब देखो लेमा उसने बोला है, इसका मतलब कि जो प्रूव्ड स्टेटमेंट है वो यूज करने वाले हैं, कौन सा, क्या यूज करेंगे हम डिवीजन एल्गोरिथम को यहां पर यूज करेंगे, क्या प्रूफ करने के लिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के लिए, यूक्लिड्स डिवीजन के लिए हम उसको यूज करेंगे। क्या होता है देखो, वहां हमने बात किया था किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर कैसे होने चाहिए, वो नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो जब हम लोग किसी इन दोनों में से किसी एक को दूसरे से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, उसको भी एज्यूम कर लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर। ठीक है, तो ये दो नंबर है जिसमें एक डिविडेंड और डिवाइजर है, जो मेरा क्वेश्चन आएगा उसे हमने क्यू कह लिया, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसे हमने आर कह लिया। ठीक है, तो जो हमारा एल्गोरिथम था, एल्गोरिथम क्या बोलता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो इस चीज को हम यहां पर उठा के पुट करेंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं, लेट से कि हमारा ए नंबर, ए जो है उसको मान लेते हैं वो हमारा डिविडेंड है। ठीक है, ए इज डिविडेंड, डिवाइजर इज बी इनटू क्वोशेंट इज क्यू और प्लस रिमाइंडर इज आर। सो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड्स डिविजन लेमा में आ गया। अभी इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है,
हमें ये बताओ कि जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन तो आता ही आता है, जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हो सकता है कि कम्प्लीटली डिवाइड होने के बाद ज़ीरो आ जाए, हो सकता है ना। एक वैल्यू तो हमारी ज़ीरो हो गई, और क्या आ सकता है, ज़ीरो से बड़ा ही तो आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि r is greater than equal to 0, मतलब कि r की वैल्यू ज़ीरो तो हो सकती है और ज़ीरो से बड़ी भी तो हो सकती है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है रिमाइंडर की, क्या रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो सकता है? नहीं, कभी भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाए, देन वी कैन राइट एज लेस देन बी, बिकॉज हियर बी इज डिवाइजर। ठीक है, तो यही पार्ट जो हमारा है ये कहलाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए इज डिविडेंड, बी इज डिवाइजर, क्यू इज क्वोशेंट, आर इज रिमाइंडर, एंड द रिमाइंडर पार्ट इज रिमाइंडर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन डिवाइजर, दैट इज बी। ठीक है, मैंने ए भी लिया है, तुम कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको यूज करने वाले हैं आगे, तो हमारा जो अगला टॉपिक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है, वो हमारा मेन टॉपिक है, वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब किसी सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वहां पर हमें एल्गोरिथम चाहिए होगा, है ना, तो हम वहां पर अब लेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसे नोट कर लेना। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, मैंने क्या बोला था कि एल्गोरिथम जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप, वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को अगर लिखते हैं उसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम, किसी भी एक सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, अब ध्यान से देखना, पहले मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने से पहले ये समझ लो कि वो चीज़ कहाँ से आया और हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप, स्टेप नंबर, पहले ले लेते हैं हम लोग कि लेट सेम चीज़ ए एंड बी एज पॉजिटिव इंटीजर, और यहां पर देखो अगर किसी भी चीज को दूसरे से डिवाइड करोगे तो जो डिविडेंड होता है वो हमेशा बड़ा होता है डिवाइजर से, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ए इज ग्रेटर देन बी इस केस के लिए। ठीक है, ए हमारा बी से बड़ा, दैट मींस कि ए जो है डिविडेंड है एंड बी इज डिवाइजर। अब जब ए बी से डिवाइड होगा तो कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, तो इस केस में हम चेक करते हैं हमारा स्टेप नंबर वन क्या करेंगे, ए को बी से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी क्या हो सकता है, जब ए को बी से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाए या फिर जीरो नहीं भी आ सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन विल बी क्यू एंड रिमाइंडर एज आर, व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी द क्वेश्चन विल बी क्यू एंड द रिमाइंडर विल बी आर, डिवाइड किया हमने, स्टेप नंबर टू। अब हम चेक करेंगे कि जब हमने डिवाइड किया तो क्या हमारा रिमाइंडर जीरो आया, अगर हमारा रिमाइंडर जो कि यहाँ पे आर है अगर वो जीरो के इक्वल आ गया, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, तब क्या होगा, अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तो जो हमारा डिवाइजर था वो हो जाएगा SCF। मुझे बताना था एक बात कि हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज टू फाइंड द SCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स, जब अगर हमें टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स, जब हमें दो नंबर का SCF फाइंड होता है करना होता है तो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी यूज करेंगे।
और भी मेथड होते हैं लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो सब यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एस सी एफ फाइंड करने के लिए स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया तो उस केस में जो डिवाइजर की वैल्यू होगी वही हमारा ए और बी का एस सी एफ बन जाएगा। तो फिलहाल अगर रिमाइंडर जीरो है तो हमारा डिवाइजर क्या था, डिवाइजर बॉस बी, तो एस सी एफ क्या बन गया, देन एस सी एफ ऑफ, जिसका एस सी एफ निकाल रहे हैं, किसका एस सी एफ निकाल रहे हैं हम लोग, ए और बी का, तो एस सी एफ ऑफ ए एंड बी विल बिकम बी, ठीक है। तो हम लोग ए और बी का यहां पर एस सी एफ फाइंड कर रहे थे, ठीक है। नाउ अब दूसरा कंडीशन कि रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इफ रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू जीरो तब क्या होगा, तब क्या होगा कि हम लोग जो है अगेन एस सी एफ अगेन डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे मैं बताऊंगा एग्जांपल में, ठीक है। अगेन क्या करेंगे हम लोग, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, किसके लिए, अब हमारा जो एस सी एफ निकलेगा, देन फाइंड एच सी एफ ऑफ, जो हमारा डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर। सो वी विल फाइंड द एस सी एफ ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो अब हमारा जो जो हमारा डिवाइजर था बी वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर आया होगा वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर, ठीक है। ये कब तक चलेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा, किसी भी स्टेप में, अगर जिस भी स्टेप में रिमाइंडर जीरो आता है उस स्टेप में जो डिवाइजर की वैल्यू होगी वही तुम्हारा एस सी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्टेप नंबर थ्री में इट कंटिन्यूज टिल रिमाइंडर बिकम्स जीरो, कब तक चलेगा ये स्टेप, जब तक कि मेरा रिमाइंडर जीरो ना हो जाए, और जिस भी स्टेप में रिमाइंडर जीरो होगा उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एस सी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम ये लिख सकते हैं स्टेप नंबर फोर में, द स्टेप हैविंग रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, the divisor of that step will be HCF of A comma B। सिंपल से बात था कि रिमाइंडर अगर जीरो होगा तो एस सी एफ बी हो जाएगा, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो हम बी जो हमारा डिवाइजर था और जो रिमाइंडर आया था उन दोनों का एस सी एफ निकाल लेंगे, और ये कब तक करेंगे, जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, और उस डिवीजन में जिस भी स्टेप में रिमाइंडर जीरो आएगा उस स्टेप के डिवाइजर को हम कहते हैं कि वो हमारा उस जो भी क्वेश्चन ए बी का एस सी एफ वो हमारा एस सी एफ हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा क्लियर तब होगा जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, सो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये सारे जो भी आज मैंने बताया लेक्चर वन में सबको रिवाइज कर लेना, और बाकी लेक्चर टू में करेंगे हम लोग, ठीक है। सो पढ़िए अपना, आज के लिए इतना काफ़ी है। लास्टली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि अगला लेक्चर आपको नोटिफिकेशन से वो मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।